हेलो फ्रेंड्स, अभी मैं बनाने जा रही हूँ साबुदाना। अब इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा जीरा। इसको भुनने के बाद मैं आलू डालूँगी। सब्ज़ी मैंने पहले से कट के रखा था, आलू, गाजर, शिमला मिर्च, तो मैं ये तीनों इसमें डालूँगी। और इसमें ये बनाने में भी सिंपल है, ज़्यादा उसको मेहनत भी नहीं लगता है। थोड़ा सा लाल मिर्च और नमक डालना पड़ता है इसमें, तो अच्छा सा होता है, खाने में भी टेस्टी होती है। आप लोग भी बना के खा सकते हो, घर पे सुबह ब्रेकफास्ट के लिए खा सकते हो बना के। तो मैंने साबुदाना तो पहले से सुखा के रखी थी, रात को भी गया था और सुबह मैंने उसको पंखे में छोड़ दिया था सूखने के लिए। तो सब्ज़ी को थोड़ा कच्चा छोड़ना पड़ेगा, साबुदाना भी डालना पड़ता है, तो इसलिए उसको पकाने के लिए थोड़ा सा कच्चा ही छोड़ना पड़ता है। तो दोनों अच्छे से पक जाती है, तो खाने में भी मज़ा आता है और अच्छा होता है। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। अच्छा नहीं लगा तो मेरे को बता दीजिए, तो मैं उसको ठीक करूँगी। कहाँ पर अच्छा नहीं लगा कमेंट में आप लोग मेरे को बता दे सकते हो, है ना। तो आप लोगों को मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। और मैंने ये डाल दिया साबुदाना, पहले से सुखा के रखा था, तो भी बन गए। थैंक यू।